हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, जो नहीं करे हैं तो कर लीजिए और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नाश्ता बनाने के लिए ये हमने कढ़ाई ली है, गैस ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पानी गरम करेंगे। हमने एक कटोरी चावल का आटा लिया है तो इसमें हम दो कटोरी पानी की ऐड करेंगे। तो पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। इसमें एक चम्मच ऑयल की ऐड करेंगे। तो देखिए पानी में उबाल आने लगा है। अब इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच नमक। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज्यादा। एक चम्मच मोटी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इनको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब इसमें ऐड करेंगे हम चावल का आटा। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ नहीं ऐड करना है। तो हमने आटा पूरा ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चावल का आटा हम थोड़ा दरदरा लिए हैं, हल्का मोटा दरदरा लिए हैं, ज्यादा बारीक आटा नहीं लिए हैं चावल का। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको 2 मिनट के लिए ढक के और इसको पका लेंगे ताकि चावल में थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बिल्कुल डो भी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी हम कर देंगे गैस बंद और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये देखिए बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम आलू। तो जितनी हमने चावल की मात्रा ली है उतनी मात्रा में हम डबल मात्रा में आलू लेंगे। तो आलू को हमने 4 से 5 आलू मीडियम साइज के बॉईल करके और मैश करके रख लिए हैं। तो इनको अब ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसमें। इसी टाइम हम ऐड कर देंगे धनिया पत्ती। तो इनको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए डो को हम अच्छे से मिक्स करके और तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से डो सेट और बहुत ही चटपटा नाश्ता बनेगा। आप एक बार इनको जरूर ट्राई करके देखना और बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाला नाश्ता है ये। बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा ये नाश्ता है जो। तो देखिए डो हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी बनाएंगे बॉल्स। जो हमने नाश्ता बना रहे हैं उसके हिसाब से आप कोई से भी शेप में बना सकते हो। तो ये देखिए हम रोल शेप में दे लिए हैं। अब इसको कट करेंगे। आप कोई से भी शेप में काट सकते हो या कोई सी डिजाइन में भी आप बना सकते हो, जैसा आपको पसंद हो उसी तरीके से। तो ये हम चाकू लिए हैं। आप हल्का हाथों पे ऑयल लगा के भी इसको बना सकते हो अगर आपके हाथों पे चिपक रहा है तो। ये देखिए हम कट कर लिए हैं। तो देखिए हम इस शेप में बना रहे हैं। तो ये देखिए हम इसकी बॉल्स बना के और तैयार कर लिए हैं। अब इनको करेंगे फ्राई। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बॉल्स बन रही है, कोई सी भी आप शेप में बना सकते हो। तो ये हम ब्रेड का, जो हमने ब्रेड को पीस के बारीक और ये लिए, इससे हम कोटिंग करेंगे जो हम बॉल्स बनाए हैं उनकी। तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और बहुत ही अच्छा शेप भी आएगा इसका। तो इस तरीके से हम सभी को कोटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हम इनको कोटिंग कर लिए हैं। अब इनको करेंगे फ्राई। तो ऑयल हमारा पहले ही गरम करने के लिए रख दिए, तो ऑयल भी गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक नॉर्मल वाली बोल डाल के देखेंगे। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो अब इनको भी एक एक करके ऐड कर देंगे इनमें। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है ये। इसी तरीके से हम सभी को फ्राई कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स ये नाश्ता बनके और तैयार हो चुका है और आप सॉस या चटनी के साथ में खा सकते हैं। प्लीज हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।